हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ओजस हेल्थ केयर के इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करना चाहते हैं मिडिल एजेड महिलाओं के बारे में, जो कि मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति की तरफ बढ़ रही हैं और इस दौरान उन्हें अपने पीरियड से रिलेटेड या बॉडी वेट से रिलेटेड या खान पान से रिलेटेड कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई बार इस दौरान वो इन सब चीज़ों से एडजस्ट करने में अपने आप को असफल पाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से पांच आसान तरीके हैं या पांच आसान बदलाव हैं जिनके द्वारा महिलाएं इस ट्रांजिशन फेज को आसानी से पार कर सकती हैं और अपनी सेहत का अच्छा ध्यान रख सकती हैं। किसी भी महिला के जीवन में खान पान का विशेष महत्व होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो धीमे धीमे कम होने लगता है और अगर मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है और हम खाने पीने में पूरा ध्यान नहीं रख रहे हैं तो कई बार ये वजन बढ़ने का एक मुख्य कारण होता है और इस उम्र में महिलाओं को वजन बढ़ने की परेशानी काफी हद तक आती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है ध्यान रखने की वो है महिलाओं के लिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि महिलाएं अगर ध्यान रखती हैं तो अपने खान पान के तरीके को थोड़ा बदल कर वो अपने इस ट्रांजिशन फेज को अच्छा बना सके। सबसे ज्यादा जरूरी है डाइट में या भोजन में फल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल, जो कि महिलाएं आमतौर पर नहीं करती हैं। तो उन्हें अपने भोजन में कम से कम 2 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की रखनी चाहिए, इसमें वो स्प्राउट्स को भी शामिल कर सकती हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपने वजन को आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, विशेषकर जब उम्र 40 या उससे ज्यादा जा रही है। तो अपने खान पान में विशेष ध्यान रखें। खाने में हाई कैलोरी डाइट, ज्यादा मीठा, आलू चावल, ज्यादा ऑयली खाना, इसका परहेज रखें और खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का विशेष ध्यान रखें। ये एक बहुत अच्छा और जरूरी हिस्सा है खाने। इसके अलावा दूसरी बात का जो ध्यान आता है वो आता है फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज, जिसे कि महिलाएं अक्सर इग्नोर करती हैं। बहुत बार महिलाओं को अगर एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है तो उनका जवाब होता है कि हमें तो घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, एक्सरसाइज कब करें, और घर के काम में ही बहुत एक्सरसाइज हो जाती, जो कि एक मिथ है। घर के काम में इतनी ज्यादा कैलोरीज नहीं लगती। ये बात जरूर है महिलाएं दिन भर व्यस्त रहती हैं, उन्हें बाकी कामों के लिए फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन वो कैलोरी के लिहाज से एक अच्छा व्यायाम नहीं। तो महिलाओं को दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट अपने व्यायाम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने व्यायाम के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। व्यायाम कैसा हो ये उनकी उम्र और उनके शरीर के वजन पर निर्भर करता है। इसके साथ ही इससे पहले वो किस लेवल की एक्सरसाइज करती रही है इसके आधार पर भी वो व्यायाम को तय कर सकते और किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेकर अपने व्यायाम को शुरू कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए वॉकिंग सबसे आसान है। महिलाएं दिन के किसी भी समय में जब भी उन्हें फुर्सत मिलती है 15 से 20 मिनट की वॉकिंग अगर पर डे कर लेती हैं तो वो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसलिए व्यायाम एक ऐसी चीज है जिसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे विषय के बारे में, वह विषय है स्क्रीन टाइम। जैसे कि बच्चों को हम कहते हैं मोबाइल से दूर रहिए, लैपटॉप से दूर रहिए, वही बात बहुत हद तक महिलाओं के लिए भी लागू होती है। घर के काम खत्म करने के बाद या अपने ऑफिस के काम खत्म करने के बाद बहुत सारी महिलाओं का बहुत सारा समय मोबाइल फोन पर बीतता है। इसको भी बहुत ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत है, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जहां पर यह समय की बर्बादी है वहीं पर यह महिलाओं की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए अपने स्क्रीन टाइम को जरूर लिमिट करें। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण चेंज इन दिनों महिलाओं में आता है वो होता है मूड स्विंग्स का, क्योंकि यह समय जो होता है उस समय शरीर में हार्मोनल बदलाव आते हैं और महिलाओं को मूड से रिलेटेड परेशानियां काफी आती हैं। मेनोपॉज की परेशानियों में एक मुख्य परेशानी है मूड स्विंग। तो मूड स्विंग को कंट्रोल करने के लिए महिलाओं को योगा और मेडिटेशन का बहुत ज्यादा सहायक रहता है। योगा और मेडिटेशन तो जरूर उन्हें अपने डेली रूटीन में योगा और मेडिटेशन को शामिल करना चाहिए, जिससे कि वो अपने लिए और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए समय निकाल सके और बाकी कामों को भी इफेक्टिवली कर सके। इसलिए मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा महिलाएं अपनी मेंटल हेल्थ का या अपनी मानसिक हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रख सके। और जो पांचवी और आखिरी बात, क्योंकि किसी भी हालत में पहली 4 बातों से कम नहीं है, वो है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स या नियमित स्वास्थ्य जांच। हर महिला को 40 साल की उम्र के बाद कुछ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की जरूरत होती है और उन्हें अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह करके उनके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए और समय समय पर वो चेकअप जरूर कराने चाहिए। इसलिए इन 5 बातों का ध्यान रखकर महिलाएं अपने इस ट्रांजिशन फेज को या इस बदलाव के पीरियड को आसान बना सकती हैं और खुश और स्वस्थ रहकर अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सकती हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद।